Hello, my dear viewers. This is your educator and mentor Swati Chavla. और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर. So as you know, we have started a series of weekly जो आप लोगों का टेस्ट होता है. ठीक है, इसमें आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशन किस अकॉर्डिंग चल रही है. आई होप उसके लिए आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लिया है. नहीं किया तो किस चीज़ की वेट करें, फटाफट से जो है ना जरा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो, वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे. सो उसमें हम बेसिकली कर क्या रहे हैं कि आपका जो सैटरडे रहता है उसमें मैं कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अनसोल्व क्वेश्चंस की एक वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाए और उसके जो सॉल्यूशन हैं उसके वीडियो एक्सप्लेनेशन के रूप में वो आपको वीडियो संडे को मिल जाती है. राइट, सो आज जिस टॉपिक की बारी है दैट इज़ CSV फाइल्स. सो कर देते हैं स्टार्ट आज के वीडियो को. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. अगर आप किसी भी दुविधा में हैं, किसी भी कशमकश में हैं कि एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन सा क्वेश्चन बैंक परचेज करें, तो इसका सॉल्यूशन लेकर के आ गई हैं आपके स्वाति मैम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए. जी हाँ, आई हैव रिलीज्ड माई ओन क्वेश्चन बैंक फॉर CBSE क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स. इट कंटेन्स की पॉइंट्स ऑफ ईच चैप्टर, सॉल्व क्वेश्चंस, MCQs, PYQs, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, न जाने कितना कुछ है सैम्पल पेपर में. तो आप फटाफट से जो है ना इस वीडियो का लिंक चेक करो, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. एंड इफ़ यू लाइक दैट तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट, आप उसको परचेज कर सकते हो. और हाँ, इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए प्लीज़. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक तो वीडियो को ज़रूर बनता है. एंड डू शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले हम फटाफट से सॉल्यूशंस को भी डिस्कस कर लेते हैं. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके बेसिकली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं और इसका जो फर्स्ट है दैट इज़ ए पार्ट. अ CSV फाइल इज़ नोन एज डैश. सो आपकी जो CSV फाइल है उसको हम बेसिकली और क्या बोलते हैं, फ्लैट फाइल, 3D फाइल, स्ट्रिंग फाइल या फिर रेंडम फाइल. सो हमारी जो CSV होती है बेसिकली वो आपकी किस टाइप की होती है, फ्लैट फाइल. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 दैट इज फ्लैट फाइल. नाउ नेक्स्ट इज बी पार्ट. बी पार्ट में यू हैव टू राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम. सो आपको एक प्रोग्राम गिवन है दिस वन और आपको इसका क्या फाइंड आउट करना है, आउटपुट. सो अगर मैं आपके प्रोग्राम की बात करूं तो सबसे पहले हमने CSV मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया, उसके बाद हमने CSV मॉड्यूल की हेल्प से रीडर ऑब्जेक्ट को, ठीक है, रीडर फंक्शन को कॉल किया. दिस डी इज़ माई रीडर ऑब्जेक्ट, राइट. और यहीं पर हमने जो है अपना city.csv फाइल को ओपन कर लिया. ये हमारा एक PYQ मीन्स लास्ट ईयर आया हुआ एग्ज़ाम में. और यहाँ पर हमने city.csv फाइल को ओपन किया है. मोड नहीं गिवन तो दैट मीन्स बाय डिफ़ॉल्ट आपकी फ़ाइल कौन से मोड में ओपन होगी, रीड मोड में, राइट. चलिए उसके बाद नेक्स्ट डी. नेक्स्ट डी का सिंपल काम आप लोगों का क्या होता है कि मेरे पास जो भी रिकॉर्ड्स हैं, राइट, सपोज़ मेरे पास इतने रिकॉर्ड्स हैं, ये हम अगर फाइल की बात करें तो मेरे को दो रिकॉर्ड्स गिवन है, ठीक है. सो स्टार्टिंग में मेरा कर्सर कहाँ पर होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड के बिगनिंग पर होगा, ठीक है. सो जब मैं नेक्स्ट डी कर रही हूँ तो दैट मीन्स वो इस रिकॉर्ड को क्या कर देगा, रीड करके स्किप कर देगा, कुछ नहीं प्रिंट करना. और मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, नेक्स्ट लाइन की बिगनिंग पर. सो नेक्स्ट डी से तो ये रिकॉर्ड हट गया यहाँ से, ठीक है. फॉर रो इन डी, अब मेरे पास रीड यहाँ पर सिर्फ ये डेटा बचा है, मुंबई और अंधेरी. ये नेक्स्ट वाले फंक्शन ने इसको क्या कर दिया, स्किप कर दिया. तो अब मुझे क्या करना है, प्रिंट रो. और रो में आपके पास कौन सी वैल्यूज है, मुंबई और अंधेरी. सो ये आपका प्रिंट कर देगा यहाँ पर मुंबई और अंधेरी. नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट. सी पार्ट में ही आपको कहता है टू स्पेसिफाई अ डिफरेंट डिलिमिटर वाइल राइटिंग इन टू अ CSV फाइल. कौन सा आर्ग्यूमेंट हम यूज़ करते हैं CSV.writer फंक्शन में. अब देखो जब हमारा क्वेश्चन होता है ना, एक तो हमें उसका आंसर बताना होता है, प्लस उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट को, आपको काफ़ी सारी और नई नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी, राइट. इस क्वेश्चन में एक तो मुझे क्या पता लग रहा है कि मैं डिफरेंट डिलिमिटर भी स्पेसिफाई कर सकती हूँ. बाय डिफ़ॉल्ट डिलिमिटर CSV फाइल में क्या होता है, कोमा. तब भी हम उसको CSV फाइल्स बोलते हैं, कोमा सेपरेटेड वैल्यूज.
सो एक पॉइंट तो मुझे मिल गया कि मैं डिफरेंट डिलीमिटर स्पेसिफाई कर सकती हूँ। एक आपको बताने कौन से आर्ग्यूमेंट में डिलीमिटर आर्ग्यूमेंट यूज़ करते हैं और ये कहाँ पर यूज़ होता है, किसके साथ, सीएसवी डॉट राइटर के साथ, राइट। चलिए नेक्स्ट इज डी पार्ट, सीएसवी फाइल्स आर ओपन विद डैश आर्ग्यूमेंट टू सप्रेस ईओएल ट्रांसलेशन। ईओएल मीन्स एंड ऑफ लाइन, ठीक है। सो अगर मुझे अपना ईएल ट्रांसलेशन को सप्रेस करना है तो वहाँ पर मेरे पास कौन सा आर्ग्यूमेंट यूज होगा, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट। और नेक्स्ट है मेरे पास ई पार्ट, आइडेंटिफाई द एरर्स इन द फॉलोइंग कोड। तो सबसे पहले हमने सीएसवी मॉड्यूल को इंपोर्ट कराया, उसके बाद मैंने अटेंडीज वन डॉट सीएसवी फाइल को ओपन किया। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था, अगर हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आ जाएं तो यहाँ पर हमें मोड नहीं गिवन। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे कौन सा होता है आपके पास, आर मोड होता है, ठीक है। अगर रीड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका राइटर नहीं आना चाहिए, तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी, उसी अकॉर्डिंग आपने इसको क्या करना है, करेक्ट करना है। सो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, सीएसवी डॉट राइटर था ना, तो हमने फाइल को किस मोड में ओपन कर लिया, राइट मोड में, और राइटर तो फंक्शन ऑलरेडी लिखा हुआ था, और यहाँ पर मैंने साथ में क्या पास कर दिया, फाइल हैंडल का नेम। जो आपका यहाँ पर फाइल हैंडल है उसको मुझे यहाँ ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ गिवन लिस्ट ऑफ डेटा इन अ सीएसवी फाइल रिकॉर्ड डॉट सीएसवी एंड प्रिंट इट। सो बेसिकली मुझे अपने रिकॉर्ड डॉट सीएसवी फाइल एक क्रिएट करनी है, उसमें ये आपको डेटा राइट करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपका कोड क्या रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नेम नहीं गिवन, आपके चॉइस से आप अपने अकॉर्डिंग फंक्शन का नेम लिख सकते हो। अब यहाँ पर हमने क्या करा, फाइल को ओपन किया, राइट। तो जब हम फाइल को ओपन करेंगे तो सिंपल क्या लिखोगे, एफ इक्वल्स टू ओपन रिकॉर्ड डॉट सी एस वी, आपको क्वेश्चन में गिवन है रिकॉर्ड डॉट सी एस वी। फाइल में डेटा राइट करना तो कौन सा मोड लिखोगे, डब्ल्यू। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट में ब्लैंक एम्प्टी स्ट्रिंग लिख दो, राइट। ये आपका ईओएल ट्रांसलेशन को सप्रेस कर देगा। नेक्स्ट मैंने क्या किया यहाँ पर, सी एस वी डॉट राइटर, दैट मीन्स सी एस वी मॉड्यूल के राइटर फंक्शन को कॉल किया, और ब्रैकेट में आपको एफ फाइल हैंडल भी लिखना है, तो यहाँ पर आपका एक राइटर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। अगर आपको किसी कंसेप्ट में डाउट है कि राइटर फंक्शन क्या है, राइटर ऑब्जेक्ट क्या है, इसको क्यों यूज़ कर रहे हैं, तो आई सजेस्ट यू कि जो आपकी ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस है फाइल हैंडलिंग पर, आप उसको ज़रूर चेकआउट कीजिए, तो वहाँ पर आपको जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है हर एक टॉपिक का वो ईजिली मिल जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। सो नेक्स्ट है मेरे पास, मैंने क्या करना, राइटर ऑफ फंक्शन से डेटा राइट कराना है। सो सबसे पहले क्या लिखोगे, डब्ल्यू ओ मीन्स आपका जो राइटर ऑब्जेक्ट है डॉट राइटर ऑफ फंक्शन, और यहाँ पर आपको रिकॉर्ड्स गिवन है क्वेश्चन में, निखिल सी ओ ई 2.9.0, सागर, प्रतीक एंड देन साहिल। तो आपने ये सारे रिकॉर्ड्स एज इट इज़ यहाँ पर अपनी फाइल में लिखने हैं, और उसके बाद यहाँ पर क्या है, एफ डॉट क्लोज। एट द एंड मैं अपनी फाइल को क्या कर दूँगी, क्लोज कर दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ क्या गिवन है कि आपको अपना डेटा क्या करना है, फाइल में राइट करना है और उसको प्रिंट भी कराना है। सो प्रिंट कराने के लिए मुझे रीड फंक्शन चाहिए, रीड फंक्शन से हम अपना डेटा रीड कर लेंगे। सो सबसे पहले हमने अपना रीड फंक्शन डिफाइन करा। अब मैं रिकॉर्ड डॉट सी एस वी फाइल को कौन से मोड में ओपन करूँगी, आर मोड में, दैट मीन्स रीड मोड में। आफ्टर दैट मैंने सी एस वी मॉड्यूल के रीडर फंक्शन को कॉल किया, और ब्रैकेट में मैंने फाइल हैंडल रख दिया, तो ये आपका यहाँ पर रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। उसके बाद हम अपना फोर लूप लगाएंगे रीडर ऑब्जेक्ट पर, और यहाँ पर मैंने अपने रिकॉर्ड्स को क्या कर दिया, प्रिंट करा दिया। वन बाय वन ये अपने आपके रिकॉर्ड्स को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज राइट अ फंक्शन डिस्प्ले आर ई सी। अब आपको फंक्शन का नेम गिवन है, दैट इज डिस्प्ले आर ई सी, टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट डॉट सी एस वी ऑफ ओनली दोज एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन परचेज डिपार्टमेंट, कि जो परचेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कराना है। द फाइल डिपार्टमेंट डॉट सी एस वी, और उसमें कौन सा डेटा है, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट लोकेशन। सो अगर मैं यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग करूँ तो मेरे पास ई एम पी नेम 0 इंडेक्स पर है, डिपार्टमेंट नेम 1 इंडेक्स पर है, डिपार्टमेंट लोकेशन 2 इंडेक्स पर है, और मुझे क्या बताना है, परचेज डिपार्टमेंट। तो वो आपको कहाँ पर मिलेगा,
डिपार्टमेंट नेम में, दैट मीन्स जिसका इंडेक्स क्या है 1। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर, अब देखो फंक्शन का नेम गिवन है डिस्प्ले REC, तो यहाँ पर आप यही फंक्शन का नेम लिखोगे। आफ्टर दैट यू हैव टू ओपन द फाइल, फाइल का नेम मुझे गिवन है department.csv, तो वही नेम आप यहाँ पर लिखोगे। डेटा को रीड करना है तो कौन से मोड में ओपन करेंगे फाइल को, रीड मोड में। ये चीज़ सेम रहेगी, csv.reader, रीडर फंक्शन कॉल करेंगे, ब्रैकेट में फाइल हैंडल लिखोगे एंड हियर यू हैव टू क्रिएट द रीडर ऑब्जेक्ट। अब मैंने क्या करा यहाँ पर, नेक्स्ट आरो लिख दिया। नेक्स्ट आरो किस लिए, आपके जो प्रोग्राम होता है उसमें हम हेडर रो भी इंसर्ट कराते हैं। सो अगर आपको हेडर रो डिस्प्ले करानी है तो यहाँ पर आपको ये नेक्स्ट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं परचेज डिपार्टमेंट से, सो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, स्किप कर दिया, ठीक है। आपकी हेडर रो यहाँ से क्या हो जाएगी, स्किप हो जाएगी। फॉर आई इन आरो, उसके बाद जो रिमेनिंग डेटा है आई में, मेरे पास ना ये चीज़ आ जाएगी, मीन्स एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम और लोकेशन, ठीक है। इस तरीके से मैंने लिस्ट के फॉर्म में डेटा एंटर कराया होगा। सपोज एम्प्लॉय नेम में मेरे पास है नेहा और डिपार्टमेंट नेम में मेरे पास है, सपोज यही लिख लेते हैं परचेज डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट लोकेशन लिख ली, ठीक है। सो परचेज डिपार्टमेंट कौन से इंडेक्स पर होगा, 1 इंडेक्स पर। सो यहाँ पर मेरे पास आई में जो डेटा आया था मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, आई ऑफ 1, कि मीन्स 1 इंडेक्स पर मेरे पास क्या हो, परचेज, तो मेरा रिकॉर्ड क्या हो जाए, प्रिंट। नाउ द लास्ट इज नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट अ फंक्शन डिफरेंट डिलिमिटर दैट रीड्स अ csv फाइल item.csv, मीन्स आपने item.csv फाइल से डेटा को रीड करना है और एक दूसरी csv फाइल क्रिएट करनी है items.different.csv नेम से, उसमें कंटेंट तो सेम हो बट डिलिमिटर डिफरेंट हो, राइट। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन डिफाइन करोगे, फंक्शन का नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज डिफरेंट डिलिमिटर, एज इट इज लिखेंगे। उसके बाद मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, f=open। अब क्वेश्चन में गिवन है items.csv फाइल को आपने रीड मोड में ओपन करना है, ये आपका फाइल हैंडल f हो गया। एक दूसरा फाइल हैंडल और ले लेंगे, f1=open items.diff, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इसमें मुझे डेटा राइट कराना है और यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, न्यू लाइन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने, अब देखो दोनों फाइल्स ओपन हो रही हैं, एक रीड मोड में एक राइट मोड में, तो मुझे एक बार रीडर ऑब्जेक्ट बनाना है, एक बार राइटर ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर मैंने अपना रीडर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। रीडर ऑब्जेक्ट करते टाइम फाइल हैंडल कौन सा लिखोगे, f, जिसमें से आप डेटा रीड कर रहे हो। सिमिलरली जब मैं डेटा को राइट कर रही हूँ, तो जब डेटा को राइट कर रही हूँ उसका फाइल हैंडल क्या, f1। तो राइटर ऑब्जेक्ट के केस में फाइल हैंडल क्या आएगा, यहाँ पर f1। अभी हमने एक फिल इन द ब्लैंक्स में भी पढ़ा था ऊपर एक क्वेश्चन में, कि अगर मुझे डिलिमिटर स्पेसिफाई करना है तो कौन से फंक्शन में हम लिखते हैं, राइटर फंक्शन के डिलिमिटर आर्ग्यूमेंट। सो यहाँ पर हमने जो भी आपने डिलिमिटर स्पेसिफाई करना हो उसका यहाँ पर वो सिंबल लगा दोगे। नेक्स्ट है फॉर आई इन आरो, दैट मीन्स आपके पास जो रिकॉर्ड्स आ चुके हैं वो किस में है, रीडर ऑब्जेक्ट्स में डेटा रीड करें, तो आप उस RO पर फोर लूप लगाओगे और जो आई में रिकॉर्ड आया है उसको मुझे राइट कराना है दूसरी वाली फाइल में, दैट मीन्स वो राइटर ऑब्जेक्ट वाली में, तो हम लिख देंगे wo.writeRow और ब्रैकेट में मैंने वो रिकॉर्ड लिख दिया आई। उसके बाद मैंने अपनी दोनों फाइल्स को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई होप आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा। बट स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर ज़रूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।